लड़कों के साथ ये है कि चलिए एक दो बार फेल हुए, चार बार फेल हुए, समय दे दिया जाता है फैमिली के द्वारा कि आप पढ़िए, आपके पास काफ़ी समय है। लेकिन लड़कियों के पास एक टाइम के बाद प्रेशर बढ़ने लगता है। हाँ, आप अगर एक बार, दो बार, तीन बार आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर फैमिली से ये उम्मीद करना कि वो आपको ज़्यादा टाइम दें, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से पीछे हटने लगते हैं कि नहीं नहीं बस नहीं होगा, अब आगे का प्लान देखते हैं, शादी विवाह बाकी सारी चीज़ें इसी फोकस करेंगे तो पीसीएस में नहीं उतना फोकस कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं रैंक नीचे आ जाएगी आपकी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी ये दोनों एक साथ टारगेट करना अब थोड़ा मुश्किल होगा, अब तक ठीक था, अब तक दोनों सेम थे, बट अब अंतर कर दिया गया है, पीसीएस में नया सिलेबस जोड़ दिया गया है, यूपीएससी में ऑप्शनल है, तो कोई एक टारगेट लेके चलेंगे तो जल्दी सफल होंगे। नहीं मैं नहीं मानती, क्योंकि हिंदी से काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं, दिख रहे हैं रेशियो काफ़ी बढ़ रहा है। दिक्कत आती है प्रीलिम्स के लेवल पे, सीसेट के लेवल पे आती है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाई करना हिंदी मीडियम बेल्ट के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। 2022 यूपी पीसीएस का रिजल्ट बहुत पहले निकल चुका है, उसके बाद अभी तो यूपीएससी का भी आया है। हमारे साथ हैं प्रिया यादव जी, अभी आपका 2021 में सिलेक्शन हुआ है वीडियो पर, और इस समय आपका सिलेक्शन हुआ है डीएसपी पे, आपका चयन हुआ है, और अभी बच्ची यूपीएससी देकर कल इसने प्रीकैप पेपर दिया है, अभी आज इनको टाइम मिला, पहले तो मुलाकात करना चाह रहा था लेकिन संजोग से हो नहीं पाया था। शानदार सफलता के लिए बेटा ढेर सारी शुभकामना आपको। थैंक यू सो मच। ये बताइए आप पारिवारिक परिवेश अपना बताइए। पारिवारिक परिवेश ग्रामीण ही रहा है, सब लोग गाँव में ही निवास करते हैं, आप तो गए भी हैं शायद। पापा घर पे हैं फिलहाल रिटायरमेंट के साथ, मम्मी भी गांव में रह रही हैं, और भाई बहन सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलाहाबाद में दीदी रह रही हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको क्या रहा? मेरा पहले तो जो स्कूलिंग रही थी वो मुरला बाजार रही थी शिशु मंदिर से, उसके बाद मैंने बीएससी किया है, बीएससी के बाद मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी से, उसके बाद मैंने बीएड किया। तो रिजल्ट आ गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था अभी। इसका मतलब प्लान बी आप लेकर चल रही थी? हाँ, कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि कुछ ना कुछ चलते रहे, और मेरा प्लान बीएड का करने का ये पर्पस था, पीसीएस में कुछ स्पेशल पोस्ट आते हैं तो पहला ये था कि पहले इस वजह से करना है कि स्पेशल पोस्ट रहती है उसकी बीएससी वगैरह की, तो कम कट ऑफ जाती है, और दूसरा ये भी था कि साइड में वो भी रहेगा, दोनों चीज़ें साथ में थी, तो टाइम भी रहता था कि एग्ज़ाम देना है तो दे देते, इस वजह से बीएड भी चल रहा था, लेकिन उसके पहले ही सिलेक्शन हो गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। आज़ादी के इतना दिन बीत गए, 75 वर्ष बीत गए, लड़कियों की स्थिति बहुत कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन एक अभी भी उतना सुधार नहीं हुआ जितना अपेक्षा है। ये हालांकि फैमिली ने तो कोऑपरेट किया आपके, बिना पारिवारिक कोऑपरेशन के आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, लेकिन किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एक गर्ल्स होने के नाते, आपको गर्ल्स को फोकस करते हुए बताया? कठिनाइयाँ तो जाहिर तौर पर अभी मौजूद हैं, क्योंकि जो कंपटीशन है ये इसमें काफ़ी समय लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपके साथ आपकी फैमिली को भी रखना पड़ता है, कभी कभी आपको फेलियर भी मिलते हैं, तो लड़कों के साथ ये है कि चलिए एक दो बार फेल हुए, चार बार फेल हुए, समय दे दिया जाता है फैमिली के द्वारा कि आप पढ़िए, आपके पास काफ़ी समय है। लेकिन लड़कियों के पास एक टाइम के बाद प्रेशर बढ़ने लगता है। आप अगर एक बार, दो बार, तीन बार आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर फैमिली से ये उम्मीद करना कि वो आपको ज़्यादा टाइम दें, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से पीछे हटने लगते हैं कि नहीं नहीं बस नहीं होगा, अब आगे का प्लान देखते हैं, शादी विवाह बाकी सारी चीज़ें। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि माता पिता समय दें, थोड़ा भरोसा करें उन पर। मान लीजिए थोड़ा समय लग भी रहा है तो ये कंपटीशन ही ऐसा है, समय तो देना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं एक साल में आए हैं और सब कुछ पढ़ के तुरंत सिलेक्शन ले लें, तो ये संभव नहीं हो पाता है। ज़्यादा प्रेशर लड़कियों पे आता है क्योंकि उनको समय कम मिलता है, तो ये फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो शायद वो ज़्यादा आगे जाएंगे, अगर उनको एक साल आप एक्स्ट्रा दे देते हैं तो हो सकता है वो नेक्स्ट में वो बेहतर कर दें, कुछ कमियाँ उनके पास वो दूर कर लें। मेन समस्या तो यही है कि टाइम नहीं मिलता, कम टाइम मिलता है, कुछ ही फैमिली होती है जो टाइम देती है बच्चों को। नहीं, आपको तो पूरा टाइम मिला। और दूसरी चीज़ ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कि गर्ल्स को कोऑपरेट तो पेरेंट्स करते हैं लेकिन एक सीमा के दायरे में रह के करते हैं। हाँ, वो सीमा कुछ समय तक होती है। जी जी, आप दो चार साल देंगे, पाँच साल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, शादी का, रिश्तेदार, बाकी सारी चीज़ें, तो प्रेशर बढ़ाने लगते हैं कि आप जल्दी कीजिए, आपसे हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो फिर ख़त्म कीजिए ये चीज़ें। लेकिन अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो आगे जाएंगे, अगर मेहनत कर रहे हैं तो आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है माता पिता को सहयोग करना चाहिए। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला सिविल सर्विस में जाने के लिए, जिसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड में जैसे पता लगा कि अभी कोई इस सिविल में नहीं था, तो इस सिविल के लिए स्पेशली आपके लिए किसने सपोर्ट किया आपको? सिविल के लिए आज भैया ने प्रिपरेशन की थी एक बार फैमिली में, बट वो सफल नहीं हुए थे, मेंस दिए थे एक दो बार, तो उनसे प्रेरणा थी कहीं ना कहीं, वो चाहते थे कि हम आगे जाएं इस फील्ड में कुछ करें, उनको लगता था कि मैं नहीं कर पाई, क्या पता ये कर लें, तो कहीं ना कहीं वहाँ से था कि नहीं ये सिविल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, देखनी चाहिए। और जब
पढ़ाई आगे बढ़ती है तो आसपास की चीज़ें सिलेक्शंस काफ़ी प्रभावित करते हैं। आसपास के सिलेक्शंस ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। एक दो लोग का सिलेक्शन SDM पे हुआ था, PCS में हुआ था। इलाहाबाद आने के बाद तो बहुत सारे सिलेक्शन दिखते हैं, तो फिर वहाँ से मोटिवेशन बढ़ता जाता है। इसलिए ये बताएं कि जैसे आपका IAS भी दे रहे हैं, PCS भी दे रहे हैं, दोनों की तैयारी साथ आप कर रही हैं कि दोनों की अलग अलग कर रही हैं? नहीं, कोचिंग तो साथ में हुई थी, एक ही साथ हुई थी, क्योंकि सिलेबस एक ही है। लेकिन मेंस में अंतर आ जाता है, अप्रोच में अंतर आ जाता है, इस वजह से दोनों एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप दोनों एक साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परफॉर्मेंस में आप कमी करेंगे और वहाँ से उसका सिलेक्शन का रेशियो या फिर कुछ भी कहिए रैंक गिर जाएगी, कुछ हो जाएगी। अगर आप UPSC फोकस करेंगे तो PCS में नहीं उतना फोकस कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं रैंक नीचे आ जाएगी आपकी। सेम UPSC के साथ भी है, दे तो रहे हैं बट फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार फोकस होके देना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? UPSC आप दे चुकी हैं एक बार, और कुछ नंबरों से रुका है, आप जैसा बता रही थी। कितने नंबर से रुका था? 0.18 से रुका है। 0.18 से निकल, मतलब आपकी बार उम्मीद करें कि आपका हो जाएगा? नहीं, इस बार 23 का दिया ही नहीं, क्योंकि 23 का दिया ही नहीं, नहीं क्योंकि 0.18 से 22 में रुका, तो मुझे लगा कि अगर हो भी जाता है तो मेंस में मुझे PCS भी देना है, मेंस में टकराएगा दोनों एक साथ, और उसमें ऑप्शनल को हटा दिया गया है PCS में, और UPSC में ऑप्शनल बना हुआ है और काफ़ी वेटेज है उसका, तो दोनों एक साथ टारगेट करना इसमें वीडियो के साथ थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है एक पे टारगेट करके फाइनल कर दीजिए, उसके बाद एक पे करिए, क्योंकि UPSC अपने आप में एक चैलेंज रखता है, आपको उतना समय देना पड़ेगा। बहुत लोग करते भी हैं साथ में, जिनके पास जिनकी चीज़ें तैयार है, क्षमता है उनके साथ की, मैं सब चीज़ें साथ में लेकर रिवाइज कर सकता हूँ, ऑप्शनल भी, UP स्पेशल भी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी ये दोनों एक साथ टारगेट करना अब थोड़ा मुश्किल होगा। अब तक ठीक था, अब तक दोनों सेम थे, बट अब अंतर कर दिया गया है, PCS में नया सिलेबस जोड़ दिया गया है, UPSC में ऑप्शनल है, तो कोई एक टारगेट लेके चलेंगे तो जल्दी सफल होंगे, बाकी तो फिर देना है, UPSC नेक्स्ट में देंगे। आपका मीडियम कौन सा रहा है? मीडियम मेरा हिंदी रहा है। हिंदी रहा है, हिंदी से सिविल के लिए हिंदी थोड़ा सा दिक्कत तलब है, क्या आप मानती हैं? वो भी आप शिशु मंदिर की रही हैं, एक ट्रेडिशन, एक संस्कार आपके जा रहा, और जो IAS है उसका थोड़ा ट्रेंड एक डिफरेंट है, आप क्या मानते हैं कहीं ना कहीं हिंदी बाधक है उसमें? नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि हिंदी से काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं, दिख रहे हैं, रेशियो काफ़ी बढ़ रहा है। दिक्कत आती है प्रीलिम्स के लेवल पे, CSAT के लेवल पे आती है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाई करना हिंदी मीडियम बेल्ट के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, UPSC का CSAT टफ आता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो हमारी कमी है, हम अगर 8-10 साल की पेपर को लगा के जा रहे हैं तो शायद ज़्यादा संभावना होगी। लेकिन मेंस के लेवल पे ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि उसमें ऑप्शनल भी काफ़ी बेहतर है और परफॉर्मेंस भी UPSC मतलब हिंदी की काफ़ी अच्छी है, UPSC में लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, तो हिंदी मीडियम कोई बाधक नहीं है। मेहनत आपको इंग्लिश में भी करनी है, आपको हिंदी में भी करनी है, समझ आपको वहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो ठीक है, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सिविल जैसा आप खुद कर रही हैं, एक पेशेंस मांगता है, तो सिविल की तैयारी एक पूरी रणनीति होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको सिविल 2 साल 4 साल 5 साल, सिलेक्शन कब हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, और पद भी सीमित होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद से, अगर आपको लगता है कि आपको सिविल में आना है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी करनी चाहिए, जैसे कोचिंग वगैरह खुद ख़त्म कर देना चाहिए उसी टाइम पे, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप फुल प्रिपरेशन में आ जाइए, सेल्फ स्टडी में 1-1.5 साल दीजिए, उतना काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप कंप्लीट करने के बाद वापस आके यहाँ पे लंबे समय से कोचिंग करें, फिर वापस सेल्फ स्टडी करें, तो समय ज़्यादा लगता है। अगर आपका गोल फोकस पहले से फिक्स है कि नहीं आपको UPSC में जाना है, तो आप ग्रेजुएशन भी वही सब्जेक्ट लेंगे जो आपको UPSC में चाहिए, तो उसी दौरान आप अपने फोकस को बनाए रखिए कि कैसे, पैटर्न देखते रहिए, सिलेबस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, तो आपको आसानी होगी सिलेबस को पकड़ने में और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि लंबा सब्जेक्ट है और बड़ा कंपटीशन है तो समय लगेगा, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। कोचिंग का इस समय ट्रेंड चल रहा है, कंपटीशन हो चाहे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, कोचिंग के बारे में आपका क्या कहना? आपने कहीं कोचिंग लिया था, या आज जो पेरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोचिंग आवश्यक है? सबके अलग अलग इसमें परिस्थितियां हैं, जैसे मेरा था, मैंने BSc किया था, तो मुझे मेरे लिए कोचिंग लेना अनिवार्य था, मुझे समझना था सिलेबस को कि सिलेबस कैसे है, क्या है, इसमें क्या पढ़ना है और किस दिशा में पढ़ना है। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपको तो लेना पड़ेगा कोचिंग, लेकिन आपके अगर एकेडमिक बैकग्राउंड वही सब्जेक्ट है सारे, जैसे आपने BA किया है, बाकी सब्जेक्ट्स कहीं अच्छे से किया, आपको सिलेबस की समझ है और आपको नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, तो आप मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, तो कोई ये
अनिवार्य नहीं है कि आप कोचिंग लेंगे तभी सिलेक्शन लेंगे, यूट्यूब पे भी है काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है मुझे बस इतना इतना देखना है जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ है, मुझे जीरो से देखना था क्योंकि मेरा बीएससी हो गया था, तो मेरे लिए तो ज़रूरी था, तो उसने मुझे हेल्प भी की है। तो अगर आप कोचिंग लिया था, मैंने GS1 में किया था, GS1 फाउंडेशन बैच किया था। तो आप अगर आपको लगता है जल्दी करना है, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं माथापच्ची का, आप कर भी सकते हैं और फ़ायदा ही करता है, ऐसा नहीं, दिशा देता है आपको, पढ़ने का तरीका देता है कि कैसे पढ़ना है, उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज होता है इसमें। अब कुछ लोग जो हैं प्री की तैयारी पहले करते हैं, मेंस की बाद में करते हैं, कुछ लोग मेंस की करते हैं, मेंस और प्री की साथ कंबाइंड करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? नहीं, मेरा मानना है कि सबकी तैयारी एक साथ ही होनी चाहिए, सबका लगभग वही है। आप शुरू से कंप्लीट मेंस की तैयारी कीजिए और जैसे ही आपका प्रीलिम्स पास आता है, 3 महीने के आसपास रहता है, फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। प्रीलिम्स बेसिकली आपको PYQ करने होते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारे टेस्ट लगाने होते हैं, सेम ही सब कुछ है, वही सिलेबस है, वही सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन बस अप्रोच अलग है, प्रीलिम्स का मेंस का अलग है। आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते, आपको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। बस जब प्रीलिम्स आएगा तो आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वहाँ जाके, जैसे प्रीलिम्स पेपर आते हैं। लेकिन ऐसी कोई सेग्रीगेट तैयारी नहीं कि आप अलग से पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, पहले पूरा प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं फिर अलग से मेंस, ऐसे तो बिखर जाएगा सारा सिलेबस। तो एक साथ करेंगे तो आपको लास्ट में फ़ायदा मिलेगा, इंटरव्यू भी साथ में ही होता है कहीं ना कहीं। इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी अलग से किया था आपने? हाँ, मैंने मॉक टेस्ट लिया था। मॉक टेस्ट कॉन्फिडेंस के लिए रहता है कि लास्ट में आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आपको जवाब पता है तब भी आप अपने जवाब को सही से रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, खुद को समझने के लिए, खुद के भावनाओं को समझने के लिए कहीं ना कहीं वो मॉक चाहिए होता है। 2-4 मॉक देना होता है, उसमें पता चलता है कहाँ पर कैसे बोल पा रहे हैं आप, कम्युनिकेशन कैसा है। देखिए, मेंस का GS एक अलग होता है, डिफरेंट। तो मेंस का GS की जो तैयारी की है उसके लिए आपने क्या बुक्स फॉलो की थी, उसको बता दें। और आगे आपका जो है, जैसे अब तो मेंस में ऑप्शनल हटा दिया गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा अब कंपटीशन पर? मेंस के GS में जो UP स्पेशल पार्ट जोड़ा गया, उससे फ़ायदा ये होगा कि UP के बच्चों का रेशियो बढ़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे पहले सिलेबस था कि UPSC के काफ़ी स्टूडेंट सेम टू सेम सिलेबस की वजह से यहाँ भी आते थे, वहाँ भी कंपटीशन बढ़ता था थोड़ा कहीं ना कहीं। यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि UP स्पेशल को आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले UPSC देने वाले बच्चे भी UPSC देने के जस्ट बाद UPPCS दे देते थे, तो सेम कंपटीशन बना रहता था। यहाँ पे आपको वो दो पेपर काफ़ी मैटर करेंगे, 400 नंबर के, तो काफ़ी मैटर करेंगे, आपको अच्छा खासा वेटेज देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जिसने UP फोकस किया होगा उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर UPSC भी करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी आएगी, या तो आप उतना मैनेज करिए, आप टाइम निकाल के UP स्पेशल 2 घंटे दीजिए, लेकिन थोड़ा टफ होगा, तो इस वजह से सिलेक्शन के चांसेस या रेशियो बढ़ेगी। जैसे पुराने जो तैयारी करते आए हैं अभी तक ऑप्शनल की, अब इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है, इससे क्या लगता है उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और हिंदी भाषी जितने लोग हैं उनको फ़ायदा होने जा रहा है? फ़ायदा होगा, बहुत दिक्कतें नहीं है क्योंकि 2 पेपर आप पढ़ सकते हैं, बहुत चीज़ें जब बस क्या किया है UPS पर सबने काफ़ी डिटेल में दे दिया है, UP आप पढ़ते ही हैं, और पहली बार जब पैटर्न चेंज होता है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जनरल समझ सब पे बनानी होगी, जितने भी टॉपिक सिलेबस दिए हैं अगर वो बना सकते हैं बना लेंगे तो वेटेज बढ़ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। UP स्पेशल तो प्री में पढ़ते ही है, कंटेंट वही है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हाँ, बट अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल छोड़ के अब UP स्पेशल पर दें, और काफ़ी टाइम दिया है आयोग ने, 4 महीने का टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम कर सकते हैं। ये बताएं कि 4th पेपर इथिक्स जो है, इथिक्स तैयारी आपने कैसे की थी? इथिक्स की तैयारी मेरे पास मेरे कोचिंग के नोट्स थे पहले, तो मैंने उनको फॉलो किया है, और दूसरी बात मैंने घटनाचक्र के माध्यम से थोड़ा बहुत टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की जो मेरे नोट्स में नहीं थे, अदरवाइज़ मैंने टॉपर्स कॉपी का सहारा लिया है, UPSC के टॉपर्स कॉपी को मैंने निकाला था कुछ लोगों के इथिक्स के, मैंने वहाँ से एग्जांपल्स लेने की कोशिश की थी, वो कैसे एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं और कैसे करंट एग्जांपल्स डालते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस के माध्यम से भी मैंने सर्च किया कि काफ़ी सारी चीज़ों में करंट के एग्जांपल्स को आप इथिक्स में सेट कर सकते हैं जो काफ़ी रिलीवेंट लगेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा या नंबर बढ़ा सकते हैं आपके, तो यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत होती है। ट्रेडिशनल तो आप पढ़ रहे होते हैं, बुक से पढ़ लेंगे आप, बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, घटनाचक्र भी बुक निकालता है अपनी, अच्छी बुक है, लेकिन आपको अपना आंसर अलग बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन करना होगा, इनोवेशन आप इस तरह सीख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से एग्जांपल अच्छे अच्छे डाल सकते हैं, टॉपर्स कॉपी का देख सकते हैं कि वो लोग कैसे एग्जांपल सेट करते हैं, तो आप भी अपनाइए, इससे कुछ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, बाकी रहता तो सब वही है।
अब जैसे कुछ पुअर कंडीशन बच्चे हैं, गांव के हैं, वो ना कोचिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि यहाँ का खर्चा उठाना उनके लिए मुश्किल है, तो क्या आपको लगता है जो डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं, जो यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इससे क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है? हाँ, इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अब यूट्यूब में भी काफ़ी सारे गाइडेंस अवेलेबल हैं। जैसे प्रीलिम्स के स्तर पे, मेंस के स्तर पे चैनल काफ़ी, जैसे यूपीएससी हिंदी की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा चैनल है जो मेंस में बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं। अगर आपको कोचिंग का टाइम नहीं है, आप कोचिंग करके यहाँ पे आके आप सीखें कि आप कैसे मेंस लिख सकते हैं, कैसे मेंस की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे बेसिकली सिखाया गया कि आप शुरू से कैसे आंसर सीख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कमियाँ हैं तो कैसे सुधार सकते हैं। थोड़ा फ़ायदा तो हुआ है, बट ये समझना पड़ेगा कि यूट्यूब में भी बहुत सारे कंटेंट हैं, आपको अपने काम का निकालना है, तो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है कि मुझे मेरे काम का कौन सा, क्योंकि बहुत सारे हैं, आपको भटकाव भी हो सकता है क्योंकि YouTube पे कमी नहीं है कंटेंट की। तो कुछ सेलेक्टिव लोगों के सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ के आप वहाँ अच्छा कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है एक्सेप्ट, कि इवन UPSC में भी लोगों ने YouTube का और इंटरनेट का सहारा लेके बिना कोचिंग के बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस बार के रिजल्ट में भी मैंने देखा है। तो अगर नहीं आ सकते हैं तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है, काफ़ी नहीं मैं बोलती 80-90% भी आप वहाँ से कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आजकल लोग चला ले रहे हैं, काफ़ी कम में चला रहे हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं। UPSC हिंदी का तो बहुत ही कम प्राइस पे है, आप लेके कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे घर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पढ़ाई के अलावा भी कोई रुचि है? कोई खास रुचि नहीं है, बस गाने संगीत सुनना। अच्छा, बस विशेष रुचि नहीं है, मतलब सुनना गाना नहीं, सुनना है गाना भी नहीं है लेकिन सुनना है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपकी पढ़ाई का रूटीन क्या था? मेरी पढ़ाई का रूटीन, मैं बस सब्जेक्ट को डिवाइड करती थी, जैसे एग्ज़ाम से पहले 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे, जैसे हिस्ट्री ले रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट लेके चलते थे एक दिन में, और उसके साथ एक मंथ का करंट अफेयर्स। सुबह 10 बजे तक एक शिफ्ट रूम पर, उसके बाद 12 बजे से लेके 6-7 बजे तक लाइब्रेरी में, इस तरह से पूरे दिन में अपने शेड्यूल को डिवाइड करके 6-7 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर मुझे लगता था काफ़ी ज़्यादा हो गया अब, तो 6-7 बजे सुबह से लेके, बीच में ब्रेक भी रहता था। ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज अगर डिवाइड करके पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है, डाइवर्सिफाई रहता है, बोर नहीं होते एक सब्जेक्ट से, कभी कभी लगता है एक ही सब्जेक्ट सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं तो लास्ट में पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि दो सब्जेक्ट लेके चले, कोई भी दो सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है एक दिन में, प्लस करंट अफेयर्स भी लेके चलेंगे तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, लास्ट तक वो बर्डन नहीं बनता है। तो सब्जेक्ट को डिवाइड करके और अपने दिन को भी डिवाइड करके ही पढ़ना होता है, क्योंकि इंसान है, थकान भी होती है, इस वजह से सब्जेक्ट को भी बनाए रखें इंटरेस्टिंग, कि पढ़ना भी है और दिन को भी अपने इंटरेस्टिंग बनाए रखें, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। मॉक टेस्ट कहीं दिया था आपने? जी, मैंने ध्येय में मॉक टेस्ट दिया था, और ध्येय में ज़्यादा ही लिखा था मैंने, काफ़ी सारे टेस्ट 21 में लिखे थे, स्टार्टिंग में पहली बार था तो मुझे लगा कि पहली बार प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, तो टाइम भी मिल गया था, एग्ज़ाम आगे बढ़ गया था तो मैंने 20-25 टेस्ट वहाँ लिखा था, फिर बाद में भी वहीं लिखा। काफ़ी, एक टेस्ट आप लिख देंगे किसी भी कोचिंग में मेंस के लिए तो काफ़ी होता है, 15-20 टेस्ट आप लिख देंगे तो आइडिया हो जाता है। मैंने मॉक टेस्ट लिखा और आंसर राइटिंग की थी DIS में, कुछ घर पे भी किया था ऑनलाइन, बट वहाँ पे ज़्यादा किया था। आप अंत में एक मैसेज कन्वे कर दिया इस गर्ल्स के लिए और गर्ल्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि अभी एक चीज़ अपने प्रश्न उठाया था कि एक पेरेंट्स एक सीमा में ही साथ दे पाते हैं, कहीं कहीं उनको प्रेशर रहता है, वो बेटा 2-4 चांस लो, जब नहीं होगा अब दूसरी जिम्मेदारी मेरे सामने है, तो उन पेरेंट्स को और जितने बच्चियाँ तैयारी करना चाहते हैं दोनों को, इसके लिए पेरेंट्स को नसीहत ज़्यादा दीजिए आप। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इस एग्ज़ाम में भेज रहे हैं या फिर उनको आपके बच्चों का इंटरेस्ट है PCS में, UPSC में, किसी भी एग्ज़ाम में है, तो आप थोड़ा भरोसा बनाए रखिए उन पर, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी सफल होगी, लेकिन समय लग सकता है। जी, इतना बड़ा सिलेबस, इतना पैटर्न है, तो थोड़ा समझने में कभी कभी बच्चों को समय लगता है, कभी कभी वो 1-2 चीज नंबर से 4 नंबर से पीछे रह जाते हैं, और माँ बाप को भरोसा नहीं होता कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप भरोसा दिखाएंगे तो वो और पॉजिटिव वे में मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, और अगर आप प्रेशर देंगे तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, तो वो अपने एग्ज़ाम से, अपने परीक्षाओं से थोड़ा बहुत भटकाव उनको, उनके अंदर आएगा, शायद वो बताएं भी ना। माता पिता को चाहिए, उनकी अपनी ही समस्याएं हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको, थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा आपको, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे लोग एग्जाम्पल इसका सेट कर रहे हैं, तो माँ बाप को कहेंगे, एक ही बात कहेंगे कि आप अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए, उन्हें थोड़ा और समय दीजिए। अगर 1-2 साल और वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे 1 साल और चाहिए, तो आप दे दीजिए, बेझिझक दे दीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती है, जब ये हो जाएगा तो सब हो जाएगा। तो माँ बाप को थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, जैसे बाकी बच्चों पे है वैसे लड़कियों पे भी करना पड़ेगा, जो कि कर रहे हैं लोग आजकल के समय में, तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है माँ बाप का भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा है,
वहाँ पे 25-26 के बाद तो आने लगता है, नहीं बहुत हो गया, बहुत एज हो गई, ऐसा नहीं है। अगर उनको लगता है, आपके बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मुझे 2 साल चाहिए, मैं एक साल चाहिए, मैं कर दूंगी, मैं कर लूंगी, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, दीजिए, वो अच्छा परिणाम देंगे। ये हैं प्रिया यादव जी, पूर्णतः ग्रामीण परिवेश की हैं और शिशु मंदिर में ये पढ़ी हैं। शिशु मंदिर की एजुकेशन जानते हैं कि मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल होती है, संस्कार थोड़ा ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, कोई भैया वो न कीजिएगा, क्योंकि उसे पाश्चात्य का थोड़ा सा कम, अब आजकल जो कंपटीशन चल रहा है, जो मॉडर्निटी हावी है यूट्यूब इंटरनेट की वजह से, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा अडाप्ट किया है कंपटीशन ने, तो इसलिए एक पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रतियोगी छात्र को तो रखना ही पड़ेगा। जैसा बच्ची ने सलाह दिया कि उसकी शादी की चिंता कम, आप उसके एजुकेशन पे ध्यान दें और रास्ता खुद चुन लेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, आपको मार्ग प्रशस्त। थैंक यू।